हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अनदर रेसिपी वीडियो। तो आज मैं बनाने वाली हूँ पनीर टिक्का मसाला। तो वीडियो को स्किप मत करना, एंड तक ज़रूर देखना। तो चलिए शुरू करते हैं। सो मैंने प्याज, टमाटो, शिमला मिर्च और पनीर इन सबको क्यूब में कट कर लिया है। अब एक बाउल में मैंने लिया है दही, थोड़ा बेसन पाउडर, 1 टीस्पून हल्दी पाउडर, 2 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर, 1 टीस्पून धनिया पाउडर, 1 टीस्पून जीरा पाउडर, 1 टीस्पून काली मिर्च पाउडर, 1 टीस्पून गरम मसाला और स्वाद अनुसार नमक। उसके बाद हम ऐड करेंगे इसमें एक नींबू का रस, गिंगा गार्लिक पेस्ट, चाट मसाला। लास्टली इसमें मैं गरम सरसों का तेल ऐड करूंगी और इन सबको अच्छे से मिक्स करके एक पेस्ट रेडी कर लूंगी। मैंने थोड़ा कस्तूरी मेथी ऐड किया है। सो पेस्ट तैयार हो चुका है। अब इसमें मैं ऐड करूंगी क्यूब कट किए हुए पनीर, शिमला मिर्च, टमाटो, प्याज एंड इसको अच्छे से मैरिनेट कर लेंगे और इसको ढक के 10 मिनट के लिए रख देंगे। One eternity later. तो 10 मिनट हो चुके हैं। अब मैंने कढ़ाई में थोड़ा सा रिफाइन ऑयल लिया है। अब इसमें हमने जो पनीर और वेजीज को मैरिनेट किया था उसको फ्राई कर लेंगे ताकि जो दही और बाकी मसालों का कच्चापन है वो चला जाए और पनीर एंड बाकी वेजीज भी अच्छे से फ्राई हो जाए। मैंने इसको लगभग 8 से 10 मिनट फ्राई किया है और फिर से मैंने कढ़ाई में ऑयल लिया है। इसमें मैंने जीरा डाला है, उसके बाद बारीक कटे हुए प्याज और इसके अच्छे से गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई कर लेंगे। एंड साथ में इसमें मैंने ऐड किया है जिंजर गार्लिक पेस्ट। अब मैं इसमें ऐड करूंगी 1 टीस्पून हल्दी पाउडर, 2 टीस्पून रेड चिलीज पाउडर एंड 1 टीस्पून धनिया पाउडर एंड अच्छे से फ्राई कर लेंगे। इसमें मैं ऐड करूंगी टमाटो पेस्ट और इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे और इसमें मैं डालूंगी स्वाद अनुसार नमक। अच्छे से 6 से 8 मिनट इसको कुक कर लेंगे। देख सकते हैं कि मसाले अच्छे से पक चुके हैं। अब इसमें मैं ऐड करूंगी फ्राई किए हुए पनीर और अच्छे से मिक्स करके लो फ्लेम पर 10 मिनट इसको कुक कर लेंगे। सो फाइनली दोस्तों, हमारी पनीर टिक्का रेसिपी तैयार है। अब आप इसको गर्म गर्म सर्व कर सकते हैं रोटी के साथ, पराठा या नान के साथ। सो होप दोस्तों आज का रेसिपी वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो लाइक ज़रूर करना और चैनल पर अगर आप न्यू हो तो सब्सक्राइब कर लेना। मैं आपसे मिलती हूँ नेक्स्ट रेसिपी वीडियो के साथ। टिल देन बाय।